हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टार्टअप सुविधा केंद्र। हम एक बार फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। वेल, एक ऐसा बिजनेस आइडिया हम आपको देने जा रहे हैं जो शायद आपके लिए यूजफुल है। टी शर्ट प्रिंटिंग के बारे में आपने बहुत बार देखा होगा और सुना भी होगा। वेल, बहुत सारे लोग एक सी टी शर्ट भी पहने हुए होते हैं, ये भी आपने देखा होगा। ये चीज आपने बहुत जगह पर देखी होगी। कॉलेज के बच्चे एक ही जैसी टी शर्ट पहनते हैं जिनमें पीछे उनका नाम लिखा होता है। किसी कंपनी के थ्रू वो ऑर्गेनाइज्ड हुए किसी फंक्शन में भी आपने कई बार कंपनी के स्टाफ को एक सी टी शर्ट पहने देखा होगा जिनके पीछे कंपनी का नाम प्रिंट होता है। आपके मन में ख्याल तो आता होगा कि आखिर ये कैसे होता है। अगर नहीं आता तो सोचिए, इन टी शर्ट को कस्टमाइज टी शर्ट कहते हैं। कस्टमाइज से इसका मतलब है कि लोगों को एक जैसा डिजाइन करी हुई टी शर्ट चाहिए। आप उन्हें वैसे ही बनाकर दे सकते हैं जैसे वो मानते हैं। वैसे तो ये बिजनेस बड़े शहरों में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अब छोटे छोटे शहरों में भी ये बिजनेस फेमस होने लगा है। वेल, इसे कैसे स्टार्ट किया जाए? टी शर्ट प्रिंटिंग काम आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। चाहे तो आप एक शॉप लेकर ये काम शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन भी लेनी होगी। आप सोच रहे होंगे कि प्रिंट की जाने वाली टी शर्ट कहाँ से आएगी। दरअसल इस बिजनेस में ऐसा होता है कि बहुत से कस्टमर्स खुद आपको अपनी टी शर्ट प्रिंट करने के लिए देकर जाते हैं। इसमें आपको टी शर्ट पर उनका मनपसंद यानी कि जो वो चाहते हैं वो उस पर प्रिंट कर देना होगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको बहुत सारी टी शर्ट प्रिंट करने के लिए ऑर्डर भी आ सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें आपको कोई टी शर्ट नहीं दी जाती। आपको टी शर्ट खरीद कर उन पर प्रिंट करके कस्टमर्स तक पहुँचानी। ऐसे में आपको टी शर्ट बनाने वाली कंपनी हो या टी शर्ट बेचने वाले लोगों से कॉन्टेक्ट करना होगा। वेल, इसमें अगर हम बजट की बात करें तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 20 से 25,000 रुपए सिर्फ ही सिर्फ आपको खर्च करने होंगे। टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन 10 से 15,000 में आ जाएगी। इसके अलावा दुकान का फर्नीचर की अगर बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना होगा। वेल, अगर इसकी प्रॉफिट की बात करें तो इस बिजनेस में कमाई बहुत अच्छी होती है। एक बार जब आप अपनी शॉप खोल लेते हैं तो प्रिंटिंग मशीन भी खरीद लेते हैं, उसके बाद आपको ज्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते। इसमें आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। टी शर्ट एक मिले चाहे हजारों मिले। जैसे जैसे आपकी कमाई ज्यादा होने लगेगी आप अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं। एक टी शर्ट को प्रिंट करने की कीमत 100 से 200 रुपए होती है। अब आप खुद सोचिए कि इस बिजनेस में कमाई अच्छी ही होती होगी। अब टी शर्ट प्रिंटिंग के फ्यूचर की बात कर लेते हैं। अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं, बीते कुछ टाइम से ये बिजनेस बहुत ही डिमांडिंग बिजनेस में है और जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम में इसमें इन्वेस्टमेंट करना एक फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि अब इस फील्ड में काफी ज्यादा बढ़ने लगा है, काफी ज्यादा लोग पसंद करने लगे हैं। अब टी शर्ट प्रिंटिंग के अलावा काफी मग प्रिंटिंग और बेडशीट प्रिंटिंग, हुडीज प्रिंटिंग करने के लिए भी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, देना पसंद करते हैं, या फिर अपने पसंद की चीजें बहुत बार कपल्स अपने टी शर्ट्स पर या फिर अपने कपड़ों पर सेम प्रिंट कराना पसंद करते हैं, या फिर अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कुल मिलाकर ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो आपको कैसा लगा ये बिजनेस आइडिया, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है या आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखकर भेजें। हम कोशिश करेंगे उसका जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचाएं।